अभी घर में रहती थी और कभी कभी ससुराल आती थी, तो ये भी हमने इंटरेस्टिंग एक देखा था. लेकिन सबने बोला कि सब चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की स्पेसिंग करें, तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन की रिक्वायरमेंट है, और वो कॉन्ट्रासेप्शन को एक सेक्सुअलिटी इश्यू से नहीं बल्कि एक हेल्थ इश्यू से देख रहे थे, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग था. और सबको इनकी जानकारी थी. हमने पूछा कि आपको पता है कौन से रेंजेस अवेलेबल हैं, तो विमेन कॉन्डम के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन पिल्स जो दवाइयां लेते हैं मालाडी के उसमें, और कॉपर टी और नेल कॉन्डम्स, ये तीन चीजों के बारे में उनको पता था. और कॉपर टी सबसे ज्यादा मिलती है उस हॉस्पिटल्स में. और हमने पूछा कि आपको काउंसलिंग मिलती है प्रेगनेंसी के बाद जब आप जाते हैं, तो आपको मिलती है काउंसलिंग कि आपको स्पेसिंग आउट करना चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी है, तो उनमें से किसी को काउंसलिंग नहीं मिली. एक दिल्ली लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में गई थी, उनको काउंसलिंग मिली थी, तो हरियाणा में कोई काउंसलिंग नहीं है. और सब उनमें से कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाता है, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको ठीक से बातें भी नहीं की जाती है. प्रेगनेंसी जब बच्चा पैदा होने वाला होता है थप्पड़ मार देते हैं, बहुत रूडली बात करते हैं, आशा वर्कर्स को बाहर निकाल देते हैं, तो काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी. काफी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने हमसे जांच की, बातें भी की. और जब हमने उनसे पूछा कि आशा वर्कर्स कैसे काम करती है आपके साथ, तो उन्होंने कहा सिर्फ पोलियो पर ही काम करती है, और वो भी हमें नहीं लगता वो अच्छी तरह कर पाती है, तो हम जाते ही नहीं है उनके पास, हम प्राइवेट हॉस्पिटल के पास ही जाना पसंद करते हैं. और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये जथेरी जो गांव है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोनीपत, काफी दूर है मेन सोनीपत टाउन से, और वहीं पर मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो एक्सेसिबिलिटी का भी बहुत प्रॉब्लम है, कैसे जाए रात को, एम्बुलेंस कैसे आएगी, तो ये सब काफी उन्होंने बातचीत की इस पर. और वो उन्होंने सबने एडमिट किया कि वहां पे काफी हेजिटेशन है, काफी शाइनेस है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करने से, या फार्मेसी के पास जाके इसके बारे में पूछने से, या डॉक्टर से भी बात करने में भी काफी उनको हेजिटेशन हो रही थी. और फिर हमने अनमैरिड वुमेन में हमने पहले कोशिश की कि हम घर पर ही जाके बात करें, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया अनमैरिड वुमेन के साथ, तो हम फिर कॉलेजेस में गए जहाँ पे वो ज्यादातर मिलते हैं गर्ल्स कॉलेजेस में, दो तीन कॉलेजेस में गए सोनीपत में, और वहां पे 18 और लड़कियों से हमें बात हो पाई. और वहां पे भी काफी मतलब जो मिथ्स है उससे हटके कुछ और पता चला कि 78% जो अनमैरिड वुमेन है वो उनको लगता है कि ये एक हेल्थ इशू है, सेक्सुअलिटी इशू से ज्यादा हेल्थ इशू है. और 78% को नॉलेज थी, लेकिन कैसे नॉलेज थी वो भी जानना बहुत फैसिनेटिंग था ये रिजल्ट भी. लेकिन उनमें से किसी को ऑल रेंज के बारे में पता नहीं था, तो दो तीन चीजों के बाद सबसे ज्यादा मालाडी के बारे में, बिकॉज वो एड आती है टीवी पे, तो उसी से उनको सबसे ज्यादा पता था. और ये फ्री कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है, मैंने उनसे पूछा आपको पता है गवर्नमेंट फ्री देती है, तो 83% को नहीं पता था. ये अभी बहुत छोटा डेटा है, हमारी असली स्टडी बहुत बड़ी है और जनवरी में सारा डेटा बाहर आएगा. और अभी तो ये बहुत पायलट बहुत छोटी स्टडी हमने की है मेथोडोलॉजी वगैरह जानने के लिए, तो वही मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ. और 95% ने बोला कि सोशियो कल्चरल बैरियर्स हैं, कि हम बात नहीं कर पाते इस इशू के बारे में. और कॉलेज में बहुत हेजिटेशन था, बहुत समझाने के बाद वो हमसे बात करने के लिए राजी हुई थी, कि कहते नहीं लोग क्या समझेंगे हम कैसे इस चीज के बारे में बात करें ये सब. तो हेल्थ इशू के थ्रू ही उनसे बात हो पाई थी इन चीजों के बारे में. और एक और था कि दो कॉलेजेस में गई, दोनों कॉलेजेस में कोई हेल्थ काउंसलिंग नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट है, एक पोस्टर था जो बोलता था कि काउंसलिंग जरूरी है कॉलेज में, लेकिन काउंसलिंग हो नहीं रही है. तो लड़के लोग वो भी बोल रहे थे कि कहीं जाने के लिए नहीं है. 44% जो ये अनमैरिड गर्ल्स थी, इनको कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी टीवी के थ्रू थी. 22% को फ्रेंड्स के थ्रू थी जो शादियां हो चुकी है जिनकी, और 5.5% थ्रू बुक्स. तो एक ही को, 18 में से एक ही को बुक से थ्रू पता था. फिर हमने सारे दवाखानों में गए, 8 दवाखाना है टोटल वहां पे, उसमें से एक गवर्नमेंट है और 7 प्राइवेट है. तो उनसे भी हमने पूछा कि आप जैसे क्वेश्चंस कि आप कितना, आपके पास सारी रेंजेस अवेलेबल है, कौन सा सबसे ज्यादा बिकता है, तो इन्हीं सवालों के जरिए ये कुछ स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं. तो किसी के पास भी 8 में से फीमेल कॉन्डम्स नहीं थे, और सबके पास मेल कॉन्डम्स थे. और ये जो ICUDs है कुपची वगैरह, ये 87% के पास थे, और ओरल कॉन्ट्रासेप्शन भी सबके पास थे, लेकिन कोई प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं देता ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, सिर्फ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के सब अपने आप दे देते हैं. और ये पूरी साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड है कि आपकी बॉडी में पिल्स जरूरी नहीं है कि सूट हो, यह एक काउंसलिंग करके ही दे जाता है डॉक्टर के थ्रू. तो ये बहुत ही मतलब एक स्टार्टलिंग फाइंडिंग थी. और हमने पूछा कि आप क्यों नहीं कॉन्ट्रासेप्शन इंजेक्शन रखते, वो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है नेपाल में, बाकी कंट्रीज में प्रूव हो चुका है. तो वो बोला कि ना हमें जानकारी है ना कोई मांगता है, तो हम कैसे रखेंगे, तो किसी के पास वो भी नहीं था. एंड
और फिर हमने ये भी पता चला कि आप गवर्नमेंट के फ्री कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइवेट वाले, तो कहते हैं हमारे पास है लेकिन हम फ्री नहीं देते, हम पैसे लेते हैं, तो वही कॉन्डम जो मैंने आपको पहले दिखाया था एक्सपायर्ड पैसे में दे रहे थे हमको, तो फिर वो भी एक एविडेंस बाहर निकल के आया था। तो हमने पूछा कि कभी औरतें आती हैं आपके पास कॉन्डम के बारे में जानने के लिए, पिल्स के बारे में, तो सबने बोला सिर्फ पिल्स के बारे में आती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम उन्हें दे देते हैं, तो वो भी 30%, मतलब बहुत ही कम। और ये कुछ कॉस्ट हैं, जैसे IUCD गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, लेकिन अगर आप बाहर जाने खरीदने जाए तो 380 रुपीज लगते हैं। तो जिसको पता नहीं है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे ट्रीटमेंट इतना बुरा है, उनको पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो ये भी एक जानकारी निकली थी। फिर हमने वहां पे डॉक्टर से बात की, एक नर्स और दो डॉक्टर से जो इस एंटीनेटल वार्ड पे थी, और उन्होंने सबने बोला कि वो सब समझते हैं कि स्टरलाइजेशन ही सबसे इफेक्टिव है, और वो सबसे ज्यादा स्टरलाइजेशन पर ही जोर देते हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत पुश करता है स्टरलाइजेशन को, तो वो उसी के साथ स्टरलाइजेशन कैंप वगैरह में उनको रेकमेंड करते हैं। और उन वो कह रहे थे कि पिल्स और मेल कॉन्डम्स और कुपोटी सब फ्री में अवेलेबल हैं। और दो फिर हमने पूछा कि आप क्या फैमिली काउंसलिंग करते हो, दोनों हस्बैंड वाइफ को बोलते हो स्पेसिंग जरूरी है और चीजें जरूरी है, कॉन्ट्रासेप्शन यूसेज जरूरी है, तो दो डॉक्टर ने महिलाओं ने बोला कि वो औरतों से ही बात करते हैं, मर्दों से बात नहीं करते, और एक ने बोला कि फैमिली काउंसलिंग करते हैं मर्द के साथ भी, तो ये भी एक आया था। और हमने पूछा, ऐसे ही पूछा कि आप कंसेंट लेते हो, आप जब स्टरलाइजेशन करते हो तो आप पूछते हो कि आपको चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने सबने बोला कि नहीं हमेशा कंसेंट लेते हैं, लेकिन औरतों ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बोला है कि कभी कंसेंट नहीं लेते, बस कि तुम चुप रहो हमको पता है क्या करना है और फिर स्टरलाइजेशन कर देते हैं, तो ऐसा ही निकल के आया था ये। और हमने पूछा कि कभी औरतें आती है आपके पास कंसल्टेशन के लिए कि मुझे जानकारी चाहिए, मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ मुझे ये, तो कहते हैं कि सिर्फ 2%, बहुत लो है, बहुत कम लोग आते हैं। तो हमने फिर आशा वर्कर्स के बारे में और फैमिली प्लानिंग ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट के उनके बारे में पूछा कि आपके कैंप्स में जो स्टरलाइजेशन कैंप्स, तो बहुत शॉकिंग था कि 2 कैंप्स एवरी डे और 1 once a week होता है, वो लोग डॉक्टर से बताया। तो हमने पूछा कि क्या आप आशा वर्कर्स या फैमिली प्लानिंग ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ करते हैं, और उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है, तो आशा वर्कर्स हमेशा स्टरलाइजेशन के लिए ही लाना चाहती हैं, वो चॉइस बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीशन नहीं कर पाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे, और बोल रहे थे कि सारा डिसीशन औरत का कभी नहीं होता, मदर इन लॉ का होता है, हस्बैंड का होता है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन थी। और आशा वर्कर्स को सोनीपत में कुछ नहीं पता उनका रोल क्या है, लेकिन हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए थे पानीपत में, वहां पे सबको बहुत पता था, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, तो काफी स्टार्क एविडेंस था दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हमारे प्रेलिमिनरी ऑब्जर्वेशन जो है इस पायलट स्टडी से है कि स्टरलाइजेशन ही अभी भी प्राइमरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, और ऑल रेंजेस के बारे में किसी को नहीं पता, और बहुत कम लोगों को पता है विमेन कॉन्डम का, वही सब कहते हैं कि ना डिमांड है ना सप्लाई है ना इन्फॉर्मेशन है, और सबको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है और तो वो ले नहीं पाते हैं। वहाँ पे सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं, मतलब कि इस बात पे क्योंकि ये सेक्सुअलिटी की अराउंड बात है तो बात करने में हेजिटेशन है कपल के, मतलब एक प्राइवेट अफेयर माना जाता है इसको। और एक और बात थी कि वो लोग कह रहे थे कि कुछ औरतें कह रही थी कि वो कॉन्ट्रासेप्शन तब तक नहीं यूज करेंगे तब तक उनका बेटा नहीं होता, तो वो बेटे की चाहत में भी बहुत सारा मतलब कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर पाते हैं और ये सब। और लेकिन वो सब औरतें चाहती थी कि बच्चों की स्पेसिंग हो, कि बच्चे 2-3 साल में ही हो पैदा, और फिर वो उनको फैमिली प्लानिंग करने का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा था, लेकिन वो ये अवेलेबिलिटी पे नहीं है, और सब चाहते थे कि इजिली अवेलेबल हो। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो हमारी स्टडी से निकली हैं, और आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो मैं आंसर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बात रखना चाहूंगी कि हमारे देश में जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो ना तो हेल्थ नीड सर्व करने के लिए है और ना सेक्सुअल नीड सर्व करने के लिए है। हमारे देश में जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल करा रहे हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है, और क्योंकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है तो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन एक रोल अदा करता है कि किसी भी हाल में बच्चा नहीं होना चाहिए।
और ये आज की बात नहीं है, हम में से कुछ लोगों की उम्र है और हमें शायद इमरजेंसी का जमाना याद है जब 16 साल से लेकर 60 साल के आदमियों तक का स्टेरिलाइजेशन जबरन कर दिया गया था और वो परिस्थिति कमोबेश आज भी कायम है। आज भी अगर कोई औरत किसी सरकारी फैसिलिटी में जाएगी अबॉर्शन के लिए तो उस पे जबरन कॉन्ट्रासेप्शन थोपा जाएगा, वो उसे बच नहीं सकती है। डिलीवरी के लिए जाएगी तो भी बच नहीं सकती है। तो ये कोई रिप्रोडक्टिव राइट का या उसकी हेल्थ नीड सर्व करने का सवाल नहीं है। दूसरे जो अभी आपने मेरे पहले बात रखी कि फार्मासिस्ट ओरल पिल्स दे रहे हैं, तो ये फार्मासिस्ट अपने आप से नहीं दे रहे ओरल पिल्स, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कॉल्ड सोशल मार्केटिंग ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। व्हाट डज दिस मीन? मेरे पहले भी आपने बोला कि जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है दैट्स अ मेडिकल प्रेपरेशन, a medical preparation which the world over has to be given under doctor's prescription, and usko to doctor ke nuskhe ke bagair nahi diya jana chahiye, aur wo nuskhe ke sath agar dega doctor to counseling se nahi deta, wo contraindications dekhe deta hai, kyunki jaise BP hai wo ek contraindication hai oral pill ka। तो बीपी तो मैं आपसे पूछ के या सलाह में नहीं बता सकती हूँ कि क्या होगा, वो तो एक मेडिकल इश्यू है। जब हम जानते हैं कि हमारे डॉक्टर की शॉर्टेजेस है और जो भी एनआरएचएम के बारे में कोई भी कोई एक आध पॉकेट को छोड़ के कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे डॉक्टर नहीं है जहां दवाइयां नहीं है वहां पे कैसे स्वास्थ्य उठ सकता है, जहां भोजन नहीं है जहां पानी नहीं है वहां स्वास्थ्य कैसे उठ सकता है और कोई हेल्थ मिशन कैसे काम कर सकता है। हाँ, उस हेल्थ मिशन के जरिए अभी तो अगर हम सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं इन चीजों का तो हम उल्टे मॉर्बिडिटी फैला रहे हैं, और मॉर्बिडिटी की क्या हद है उस पे मैं बाद में आऊंगी। हमारे जो क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल से प्रभावित है पूरा जो नीति है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोविजन का, इसलिए उसमें स्टेरिलाइजेशन का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि एक बार स्टेरिलाइज कर दो सिर्फ एक कांटेक्ट चाहिए डॉक्टर से और उसके बाद तो बच्चा हो ही नहीं सकता, तो डॉक्टर्स को भी बहुत अच्छा लगता है, गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा लगता है, एक्सेप्ट जब हमारे कंट्री ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए लोन लिया तो वर्ल्ड बैंक को पूरा नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है स्टेरिलाइजेशन अनलेस इट इज डन इन द इमरजेंसी काइंड ऑफ कंडीशन, लोग क्या करते हैं जितने बच्चे उनको चाहिए वो पैदा करके फिर स्टेरिलाइजेशन के लिए जाते हैं, तो अपनी आइडियल फैमिली साइज कंप्लीट करके जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपका सर्वे हरियाणा में हुआ और हरियाणा में वो लड़कियों को पैदा नहीं होने देते, जब दो लड़के हो जाते हैं तो स्टेरिलाइजेशन के लिए बहुत सारी औरतें तैयार होती हैं। ये परिस्थिति भी अनायास नहीं पैदा हुई, एक ये हमारे विश्व में हम जिस विश्व में रहते हैं वो विश्व में एक चीज है कॉल्ड द पॉपुलेशन कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट, जिसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट है यूएस। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वो अपने चीजों को मांग करेंगे, अपने चीजों पे कंट्रोल करेंगे, और ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स है उनको नहीं पसंद आता। 1969 में यानी आप सोचें कि ये जो फैमिलीज आर रिस्पॉन्सिबल